तो आज हम बात करने वाले बीसी सखी योजना के विषय में। उत्तर प्रदेश में बीसी सखी योजना की प्रत्येक ग्राम पंचायत में नियुक्तियां होनी थी और उनका रिजल्ट, आपने आवेदन भी किया होगा, मैंने वीडियो बनाया था, आपने आवेदन किया होगा, तो आपको इंतजार होगा रिजल्ट का कि इसका रिजल्ट कैसे पता चलेगा और कब आएगा। तो इसका जवाब मैं आपको आज देने वाला हूँ, क्योंकि बीसी सखी योजना में चयन हो चुका है और इनकी लिस्ट जो है वो ब्लॉक स्तर पर सर्कुलेट कर दी गई है, ब्लॉक स्तर पर दे दी गई है। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर जिन व्यक्तियों का सिलेक्शन हुआ है वो आप कैसे पता करेंगे उनका सिलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ, उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, एक्सेप्ट हुआ, कैसे पता करेंगे और रिजल्ट उसका कहाँ से देखेंगे। तो बने इस वीडियो लगातार, मैं उपम जागर और आप देख रहे हो दोस्तों अपना चैनल हेल्प हिंदी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबाएं, इससे मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आप लगातार देख सकें। तो बीसी सखी योजना की फुल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आपको आ जाना हमारी वेबसाइट पर, इसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यूपी बीसी सखी योजना, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना था मैंने सब कुछ बता दिया था, सब कुछ आपको पता होगा। और बीसी सखी योजना आपको बता दूं मैं, यहाँ पर जो 22 मई 2020 को इसके आवेदन स्टार्ट किए गए थे, जिसमें प्रत्येक महिला को 4,000 रुपये प्रतिमाह मिलना था और हर एक बीसी सखी योजना की नियुक्ति होनी थी एक ग्राम पंचायत में। सपोज दैट आपके यहाँ एक ग्राम पंचायत, वहाँ पर एक बीसी सखी योजना की नियुक्ति होनी थी और उन बीसी सखी योजना का काम था बैंकिंग की सर्विसेज को घर घर तक पहुँचाना, जैसे कि पैसे की निकासी, पैसे जमा करना वगैरह, जो भी सरकारी व गैर सरकारी स्कीम्स होती हैं उनको घर घर तक पहुँचाने का कार्य करती हैं बीसी सखी योजना, जिसके तहत उनको 4,000 रुपये प्रतिमाह स्टेट गवर्नमेंट देगी, साथ साथ कमीशन वगैरह भी देगी और 50,000 रुपये जैसे कि मार्फो लैपटॉप वगैरह खरीदने के लिए भी दिए जाएंगे। तो ये पूरा था, तो इसका रिजल्ट जानने के लिए आपको जाना होगा दोस्तों ब्लॉक स्तर पर, क्योंकि ब्लॉक पर से ही आपका इसका रिजल्ट पता चल पाएगा। ब्लॉक पर मैं अभी कुछ दिन पहले गया था, तो ब्लॉक में क्या है, जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनकी लिस्ट आ चुकी है प्रत्येक ग्राम पंचायत में, और जिनके रिजेक्ट हुआ है उनकी तो बात ही नहीं, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनकी लिस्ट ब्लॉक पर आ चुकी है। तो आप अपने ब्लॉक पर जाएं और वहाँ पर जो भी अधिकारी होते हैं, प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया और वो पूरी डिटेल देखेगा, और वहाँ पर जब डिटेल आपका देखता है वो आपको वहाँ से पता चलेगा कि आपकी नियुक्ति उसे किस ग्राम पंचायत में हुई है और किन किन की हुई है। तो आपको इसके लिए कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन नहीं जारी होगा और ना ही कुछ होगा, लेकिन हालांकि आपको एक वेबसाइट है जो ajivika.gov.in है, ये दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत NRLM द्वारा चलाई जाती है। यहाँ पर आपको इन सभी चीज़ों के विषय में जानकारी मिलती रहती है समय समय पर, जैसे देखिएगा SSC बैंक लिंक इस पोर्टल या जो भी है, तो इस टाइप की अगर आपको जानकारी यहाँ पर अवेलेबल हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल कोई भी जानकारी अवेलेबल नहीं है। तो आप बहुत ही आसानी से ब्लॉक स्तर पर जाकर इसे पता कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको कैसा लगा कमेंट करें, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर